वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका लाल, आपका बेटा दीपक वालिया आज आपके सामने मन की बात करने जा रहा है। जस्सा सिंह का लाल, दीपक वालिया का लाल। हम जस्सा सिंह के लाल हैं और जस्सा सिंह जी का अपने में एक इतिहास है। जस्सा सिंह जी सन 1718 में, उनका जन्मदिन आता है 1718 में और 13 मार्च को। उनका बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे कि मोरी गेट को हम जानते हैं, मोरी करके 30,000 सैनिक 30,000 में रुके थे, तो 30,000 नाम पड़ा था, मोरी गेट नाम पड़ा था। मुगलों के जब मुगलों का राज था उस टाइम में 1700 में, उस टाइम में उन्होंने 30,000 सैनिकों ने लाल किला पे हमला किया। लाल किला पे हमला करके उन्होंने वहाँ पे हमारा निशान साहब जुलाया सिखों का, और उसके बाद मिठाई पुल में मिठाई बांटी गई। और जो उस टाइम के इतिहास बताता है कि उसमें हुआ कि जो भी हमारे गुरुद्वारे बनेंगे उन गुरुद्वारों को, दिल्ली में ऐतिहासिक गुरुद्वारों को बनाना पड़ेगा। तो 4,000 सैनिक छोड़े, बाकी सैनिक चले गए और 4,000 सैनिकों ने गुरुद्वारे का काम पूरा कराया। जो भी करा आता था उस टाइम, उसमें कुछ ना कुछ बात करी गई कि 4% 6% आज के हिसाब से। उसके बाद हिंदुओं की मुगलों से बच्चे और बेटियां और भवें 22,000 औरतों को और बच्चों को और उनको मुगलों से आजाद करवाया। उसके बाद हमारा जब दरबार साहब मुगलों ने तोड़ा था, तो उस टाइम में चद्दर बिछा के 9 लाख रुपया उस टाइम के हिसाब से 1718 में इकट्ठा किया था जस्सा सिंह जी ने। तो ये तो हमारे गुरु का इतिहास है और ये बहुत बड़ा है, एक दिन लग जाएगा बताने में। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो जस्सा सिंह का लाल, दीपक वालिया कलाल आज आपको कुछ कहना चाहता है। मेरे को जस्सा सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मेरे को चुना सन 2000 से, भारतीय जनसंघर्ष सेना से। मेरे को सन 2000 के अंदर, मेरी शक्ल देख सकते हैं आप क्या होगी, आज 23 साल हो गए हैं। मेरा जन्म 8 अगस्त 1982 में हुआ और आज मैं 41 साल का हूँ। तो 23 साल मैंने समाज सेवा में और राजनीति में दिए। आज आप कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता देखते हैं, युवा नेता देखते हैं, उनको NSOI के चुनाव जिताने में कहीं ना कहीं मेरा हाथ रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना पोस्टर है 11 का, तो सन 2000 से कर रहा हूँ और 11 में ये पोस्टर था जो हमने मीटिंग करी थी। तो ऐसे ही 22 साल से मेरे MS बिट्टा जी के साथ संबंध है। 22 साल पहले मेरी बहन की शादी में भी आए थे। तो बिट्टा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आज उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है और मैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज समाज सेवा कर रहा हूँ। और समाज सेवा करते हुए मेरे को बड़ी चीज़ें प्राप्त हुई। फिलीपींस से 2021 में कोविड के दौरान सोनीपत, पानीपत, आगरा, मथुरा, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड ना कराए हों, और दीनदयाल में लोगों को सुबह एडमिट कराया जा जाके। तो फिलीपींस वालों ने मेरे लिए ये डॉक्टरेट भेजी और गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेट मेरे को प्रोवाइड कराए। आप देख सकते हैं सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट हैं। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट एक NGO है, उसका भी सदस्य हूँ USA का मैं। और ये हमारे दिल्ली कैंट में राजनाथ सिंह जी आए थे तो सफाई अभियान में मैं उनके साथ था और साथ रह के मैंने उनका सहयोग बढ़ाया और साथ में चला और सफाई अभियान को दिल्ली कैंट में कामयाब बनाया, क्योंकि मैं दिल्ली कैंट का निवासी हूँ। ये गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिए रखे हैं। और ये 2019 में मेरी डाक टिकट जारी हुई थी 5 रुपये की, और 5 रुपये की डाक टिकट हर किसी की जारी नहीं होती। समाज सेवा करते करते मैं उस मुकाम पे पहुंचा कि 2019 में मेरे को ये डाक टिकट डाक विभाग की तरफ से मेरे को मेरी बनी 5 रुपये की, जिसमें अजंता की गुफाएं, और ये बॉम्बे में मेरे को दी गई। क्योंकि मैं फिल्म लाइन से हूँ और बॉलीवुड लाइन से हूँ, बड़े बड़े इवेंट कराता हूँ, और मैं आज के समय में भगत सिंह की मेरे को उपाधि दी है। आज के टाइम में मैं भगत सिंह के रूप में आपके सामने आया हूँ, क्योंकि भगत सिंह ने हमारे देश को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत सहा, लास्ट में उनको फांसी मिली। वही आज के दौरान में मेरे साथ हुआ है।
अभी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का 3 महीने पहले मेरे को सचिव जनरल सेक्रेटरी बनाया और दिल्ली का प्रभारी बनाया है। उसी 3 महीने के दौरान मैंने पहले फ्री ट्रांसजेंडर शो किया और फ्री ट्रांसजेंडर शो करने के बाद इंडियन आइकॉन अचीवर अवार्ड और लोगों को सम्मानित किया मैंने। उसके बाद मेरे साथ के कुछ 10 साल पुराने, कुछ नए, कोई पुराने, पूरे टीम मिलके मेरे को इस मार्केट से ख़त्म करने के लिए लग गई, जिसके दौरान अभी एक प्लान बना के मेरे पे हमला किया गया, ये देख सकते हैं आप। और अभी भी मेरे रोज़ सुबह शाम मेरे ड्रिप चढ़ती है और ये मेरे कैनूला भी लगा हुआ है और मेरे सर पे भी चोट लगी है, इसलिए मैं थोड़ा पगड़ी बांध के आया हूँ और पगड़ी तो बांधते ही हूँ मैं, भगत सिंह का भी लाल हूँ मैं। एक शाम दिव्यांगों के नाम डिसेबल बच्चों के लिए, ये न्यूज़पेपर में भी छपता रहता है, हरियाणा के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ये हमारा पोस्टर है एक शाम दिव्यांगों के नाम, डिसेबल बच्चों के लिए करता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं हम डिसेबल बच्चों के लिए, फैशन शो, टैलेंट शो करते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़ें। और इसी दौरान मैंने ये बड़े बड़े शो बच्चों के लिए किए हैं जनकपुरी दिल्ली हार्ट में और भी जगह किए हैं। और रजत शर्मा जी से भी व्हील चेयर मैं दिलवा चुका हूँ, ये सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाया हमने बच्चों को और सबको। तो फोटो दिखाता हूँ आपको, ये रजत शर्मा जी के हाथ से बच्चों को व्हील चेयर दिलाते हुए, और बच्चे इतने खुश होते हैं कि जैसे उन्हें क्या मिल गया। ये अजमेर शरीफ जाते हुए, इस बार जो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी की चादर उर्स में अजमेर शरीफ में चढ़ती है, वो जमाल सिद्दीकी जी उनके सहयोग करते हुए फहीम सैफी भाई और हमारे अनवर भाई जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और फहीम भाई हमारे जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, हम लोगों को मौका मिला कि हम इस बार मोदी जी की जो प्रोटोकॉल में चादर चढ़ती है वो हम चढ़ा के आए। ऐसे ही फहीम भाई के साथ मैं जम्मू कश्मीर जाता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के हैं, तो 2 साल हो गए मैं जम्मू कश्मीर जाते हुए वहाँ के हालात देखते हुए। तो हालात देखे हमने, हालात बड़े नाजुक रहे और हम घूमे, हमें डर भी लगता था बट क्या करें, भगत सिंह है तो डर किस चीज़ का। इसी दौरान मैंने ये इंटरनेशनल 3i शो किया, जिसके दौरान इसका फाइनल शिकागो में होता है, शरण वालिया इसके प्रेजेंट हैं और इसका फाइनल हमने शिकागो में हुआ था और सेमीफाइनल हमने इंडिया में कराया था 2021 में 3i का, सीजन 5 था ये, सीजन 5 में हमने कराया। इसमें आलूवालिया ग्लोबल पार्टनर था और अजीत बैंस जी पार्टनर थे और आपका अरुण ठकरान जी पार्टनर थे, तो ये शो हमने कराया यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े टीवी के कलाकार और फिल्म जगत के कलाकार इसके अंदर आए और बड़े बड़े सिंगर आए। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसी मैंने ये मूवी करी, इसकी शूटिंग पूरी दिल्ली में कराई, सुस्वागतम खुशामदीन, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर धीरज कुमार हैं और मनीष जी हैं और अदर बहुत नाम है। तो सुस्वागतम की शूटिंग पूरी दिल्ली में 2021 में मैंने कराई, ये 2021 में दो चीज़ें करी मैंने, 3i शो किया और ये सुस्वागतम खुशामदीन, जिसमें कैटरीना कैफ की बहन लीजा बैल एवं पुलकित सम्राट और बड़े बड़े एक्टर भी थे। इसके दौरान चलते चलते ये सूरत से मेरी फ्रेंड बनी थी, ये जयपुर में इवेंट था, मोनिका शाह, और ये सूरत में रहती हैं और जयपुर में एक इवेंट के दौरान ये इनसे जान पहचान हुई थी, ये भी अवार्ड लेने आई थी और मैं भी अवार्ड लेने आया था। तो इन्होंने शरण वालिया जी के साथ मिलके अभी सूरत में प्रोग्राम रखना चाहा है और सूरत में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमें इन्वाइट करेंगे, मेरी टीम को इनवाइट करेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे 3i के शो में सीजन 7 में। शरण वालिया जी और मैम हमें इनवाइट करेंगी तो हम इस बार सूरत अपनी टीम लेके पहुंचेंगे। इस दौरान बड़े बड़े एक्टर मेरे घर भी आते हैं, मेरे बच्चों के साथ फ़ोटो है और बड़े बड़े एक्टर आपने गुलशन पांडे जी देखे होंगे, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और बड़े बड़े उसमें आ चुके हैं, काफ़ी मूवी कर चुके हैं, सब मेरे घर भी आते हैं। ये सपना चौधरी के साथ दिल्ली हार्ट में प्रोग्राम था, सपना चौधरी चीफ गेस्ट थी, मैं VVIP गेस्ट था। इसकी जिंदल यूनिवर्सिटी में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 19 के अंदर, तो उसमें भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। ये जयपुर में राजस्थान में बहुत बड़ा मंदिर है गुर्जर समाज का और इसमें 4 करोड़ लगा के मोदी जी ने उनके लिए, गुर्जरों के लिए एक म्यूजियम तैयार किया उनके इतिहास के लिए, तो ये हमारा पूरा डेलीगेट गया था
20 से 25 लोगों का पूरे हिंदुस्तान के। तो हमें ये म्यूजियम 2019 में ही देखने को मौका मिला, हमें दिखाया गया और हमें ये देखिए आप सम्मानित भी कर रहे हैं, थोड़ा जूम करेंगे कैमरामैन तो हमें सम्मानित कर रहे हैं। मेन पंडित जी हैं वहाँ के, इन्होंने सम्मानित किया। गुर्जर समाज ने बहुत बड़ा इतिहास है गुर्जर समाज का, और गुर्जर समाज ने ये क्योंकि उसके 19 के बाद कोविड लग गया था तो सबने 2021 में देखा, पर हमारा सौभाग्य था कि हम गुर्जर समाज का इतिहास पूरा का पूरा जो हमारा है गुर्जर समाज का वो हम पहले ही 2019 में देख चुके थे। और उसके बाद हम अजमेर शरीफ भी गए थे हमारी टीम पूरी की पूरी, हमारे दोस्त हैं उनके वो उस टाइम इसके वो होते थे अध्यक्ष होते थे चेयरमैन होते थे अमीन पठान जी, वो हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और आपका अजमेर शरीफ के चेयरमैन रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे। मैंने ये कैंप रखवाया था G20 खुशी में, अब G20 आया 2023 में हमारे यहाँ, तो उसकी खुशी में आई कैंप फ्री आई कैंप और ये सारा कुछ मैंने रखवाया और ये फ्री ब्लड कैंप मैंने लगवाया। तो इसके दौरान क्या हुआ कि मेरी साली का लड़का हांगकांग से एक मेडल जीत के आया और उसके साथ इंडिया के 11 बच्चे जीत के आए, जो कि एक नया गेम है जिसको कहते हैं हम शटल कॉक एक नया गेम है, उसमें 11 बच्चे इंडिया से जीत के आए। और जीतने के बाद उन्होंने एक तारीख को प्रोग्राम रखा वहाँ पे और श्याम बाबा का जागरण रखा और रैली भी निकाली बच्चे की हमारे की और जन्मदिन भी मनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्लड कैंप लगाया मैंने और ये कैंप मेरा होने नहीं दिया गया कुछ लोगों की वजह से, इसको फेल कर दिया गया, जिसका मेरे को बड़ा अफसोस है कि मैंने G20 के लिए लगाया था, अकेले मैं ही खून दे सका वहाँ पे, ठीक है ना, अकेले खून दे के वो बस वापसी चली गई, क्योंकि वहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने पॉलिटिकल लोगों ने और क्षेत्रीय लोगों ने वो वैन और ये कैंप फेल कर दिया, मेरा लगने नहीं दिया। तो ऐसे ही ये पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, इसमें हमने कोविड में काम किया तो मेरे को वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो उमिंदर सिंह हैं, उन्होंने मेरे को वाइस प्रेजिडेंट बनाया था वेलफेयर सोसाइटी में। ये हमारे भाई हैं कल्याण सिंह, कल्याण भाई ये नीलोखेड़ी से हैं, इन्होंने अपनी इसमें जनरल सेक्रेटरी हरियाणा से मेरे को बना रखा है अपनी एनजीओ में ऑल ओवर इंडिया का, तो ऐसी कुछ एनजीओ ने मेरे को जोड़ रखा है। ये कोविड में मेरे को इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट सब देते हैं, कोविड में दिए हैं सबने मेरे को, जो आप देख सकते हैं कैमरामैन हमारे जूम करेंगे। तो बस साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे पे हमला हुआ, अभी 3 तारीख को मेरे को एक जन्मदिन की पार्टी में बुला के सेक्टर 7 द्वारका में प्रीमियम मॉल करके एक रेस्टोरेंट है और बार है, उसमें एक प्लानिंग करके किन लोगों की प्लानिंग है, मेरे को मारना चाहते हैं, इंडस्ट्री से ख़त्म करना चाहते हैं, मेरा पूरा साम्राज्य ख़त्म करना चाहते हैं, जो मेरी इतने साल की 23 साल की मेहनत है, और करके मेरी पूरी पिटाई करी गई। 20 से 25 बदमाशों ने मारा, जो कहते थे हम यूपी के बदमाश हैं, हरियाणा के बदमाश हैं, नजफगढ़ के बदमाश हैं, उन्होंने मेरी पिटाई करी और पिटाई करके ये देखिए आज भी कैनूला मेरे लगा हुआ है। तो कहने की बात ये है सारी साथियों, भगत सिंह को मारने की कोशिश ना की जाए, भगत सिंह इस देश के उद्धार के लिए आया है। मैं डिसेबल बच्चों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए, डिसेबल बच्चों का नाम मोदी जी ने रखा है स्पेशल चाइल्ड, ऐसी मैंने ट्रांसजेंडर्स का नाम रखा है एंजल्स, वो एंजल हैं, उनको नहीं पता था कि वो इस जन्म में इस रूप में पैदा होंगे, जैसे वो मोदी जी ने उनको थ्री ट्रांसजेंडर का वो दिया है कि जैसे मैन होता है वुमेन होता है, तो उनको 3 उसका मोदी जी ने दिया। तो मेन चीज़ यही है मेरे साथियों कि मैं जिंदगी भर डिसेबल बच्चों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए करता रहूँगा। अभी मेरा बहुत बड़ा शो आ रहा है मेरी एनजीओ और मेरे कुछ सहयोगियों की तरफ से डिसेबल बच्चों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा शो आ रहा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे ट्रांसजेंडर्स के लिए और उनके लिए टैलेंट शो, जो भी टैलेंट डिसेबल बच्चों में है और जो भी टैलेंट ट्रांसजेंडर्स में है वो पूरा टैलेंट दिल्ली में उतरेगा या बॉम्बे में उतरेगा, इसका डिसाइड अभी मेरी पूरी टीम कर रही है, या गोवा में उतरेगा या लखनऊ में उतरेगा, कहाँ ही भी उतरेगा। और इतना बड़ा शो होने जा रहा है कि लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि दीपक जी इस बार आपने क्या कर दिया। कि हमारे जो जस्सा सिंह जी हैं उनका जन्म 3 मार्च को 1718 में हुआ था और भगत सिंह जी का 28 सितंबर 1900
1907 में हुआ था। तो साथियों मेरी तरफ से विनती है कि जो भी लोग मेरे को अभी मारने की कोशिश करी या मेरे को परेशान करा है, कृपया मत करें। मेरी फैमिली को धमकियां दी, मेरी फैमिली को उल्टा बोला गया, ये करा गया, मेरी फैमिली को बड़ा परेशान किया गया, कृपया अब मत करें। मेरे को काम करने दें, मेरे को अपनी शो की तरफ ध्यान लगाने दें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने प्रेमियों से, सबसे, कि इस भगत सिंह को काम करने दीजिए। वो भगत सिंह फांसी ले गया था, हमारे गुरु भगत सिंह जी थे, उन्होंने फांसी ले ली थी, राजगुरु ने फांसी ले ली थी, बट ये भगत सिंह फांसी नहीं लेगा, क्योंकि ये कलयुगी भगत सिंह है और ये जस्सा सिंह का लाल दीपक वालिया कलाल है, ये नहीं फांसी लेगा। आप लोग चौकन्ने हो जाएं कि दीपक के खिलाफ जो भी साजिश कर रहे हैं कृपया मत करें, उनको आगे भुगतना पड़ेगा। और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, 4 जून के इवेंट से लेके, 4 जून में इवेंट में मेरे लिए पुलिस भी बुलाई गई थी, और उसके बाद इतना गलत हुआ है मेरे साथ कि अभी तक गलत होता आ रहा है। आपने देखा, पिटाई भी हुई है और झगड़ा भी हुआ, मेरा अकेले पड़ गया था, 25 आदमी में अकेला मैं क्या कर लेता, बस मेरी जान बच गई, इतना होता है। तो सबसे विनती है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। कृपया मेरे परिवार और मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, 13 साल, 14 साल के, और मेरी वाइफ है, मेरे माँ बाप जो हैं सीनियर सिटीजन हैं, 70 साल और 75 साल की उनकी एज हो रही है। मेरे घर में भी झगड़ा कराने की कोशिश करी गई मेरे माँ बाप को भड़का के, तो कृपया मत करें ऐसा। और सरकार से गुजारिश है कि मेरे को थ्रेड है और मेरी फैमिली को थ्रेड है, थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारा दिल्ली कैंट थाना जो है वो मेरा कोई केस नहीं ले रहा है, ना मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। तो कृपया दिल्ली कैंट के SHO विपिन कुमार जी को यह है कि किसी के दबाव में ना आए बिना, दबाव में आए बिना कृपया मेरी सुनवाई करें और मेरे केसों पे ध्यान दें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।